अरे अरे अरे, टायर फट गया ट्रक का। Friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So as promised in last two vlog, yes exactly, before last two vlogs I have shown that that TVS is allow the old owners of Apache RR310 to get upgrade the new racing tune slipper clutch. Yes, the finally day is arrived. So meri bike ka jo slipper clutch hai wo service center mein aa chuka hai. So I am leaving right now for get it installed on my bike. स्लीपर क्लच की जो कॉस्ट उन्होंने मुझे एस्टिमेट दी है दैट इज़ 4,800 रुपीज़ विद इंक्लूड लेबर्स. अभी ये रेनी सीजन है, आप देख सकते हो रेनी क्लाउड्स. लास्ट दो दिन से यहाँ पे बारिश गिर रही है, सो आई हैव टू वेयर माई रेनी वेयर्स. सो फ्रेंड्स, बाइक इज हियर. मैंने ये वापस इंस्टॉल कर दिया एज बारिश आ चुकी है. विदाउट स्लीपर क्लच, क्लच का प्ले ऐसा है, हाथों को हार्ड फील करता है. लेट्स सी स्लीपर क्लच डालने के बाद स्मूथ होता है कि नहीं. दैट इज़ द मेन रीज़न आई एम प्रिफरिंग पर क्लच. यार हमको तो रेस ट्रैक पे बाइक चलानी है नहीं, बस हमें तो सिर्फ रोड के ऊपर बाइक चलानी है वाइल्ड टूरिंग. सो ट्रैफिक में चलाते वक्त हाथों को थोड़ा कम पेन महसूस हुआ, उसी लिए स्लीपर क्लच लगा रहा हूँ. दैट इज़ द मेन रीज़न. सो फ्रेंड्स, इट्स 10:13 एंड आई रीच हरे कृष्णा. यहाँ पे है इस ट्रक के पीछे, ये रहा हरे कृष्णा TVS. Now let's see क्या सीन है अंदर. बाइक रैक के ऊपर आ गई है, साइड की फेयरिंग निकाल दी है. फ्रेंड्स, यू कैन सी समथिंग इज लीकिंग. आई थिंक इट इज द कूलेंट. टिल वाई विल चेक ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट. ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स यूजर्स आर कंप्लेनिंग दैट देयर दिस पार्ट इज गॉट क्रैक. सो आई थिंक इट बिकॉज इट स्क्रू टाइट किया होगा उस वजह से, या बिकॉज ऑफ हीट कि आपका क्रैक हुआ रहेगा. ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी को 1.5 साल हो चुका है और यू कैन सी इट्स स्टिल इन द सेम कंडीशन. यहाँ पे कुछ क्रैक नहीं है. सो यू कैन रिक्वेस्ट योर सर्विस दैट ज़्यादा टाइट ना करे ताकि इसके ऊपर क्रैक ना आए. सो फ्रेंड्स, ये है स्लीपर क्लच का यूनिट. यू कैन सी द कॉस्ट 3900, मैन्युफैक्चरिंग डेट 620. और ये है गैस्केट जो चेंज होगी, उसकी प्राइस आप देख सकते हो 135 रुपीज़ January 2019. तो ये पार्ट तो चेंज होगा ही होगा जब भी आप इंजन ओपन करोगे. ये देखो क्लच असेंबली है, ये गियर को शावर करता है. ओके. इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो ये गियर बॉक्स को शावर करता है ऑयल का लुब्रिकेशन. सो फ्रेंड, दिस वन इज अ न्यू स्लीपर क्लच विच वन हैव 7 प्लेट्स. करंट स्लीपर क्लच इज इंस्टॉल, इट इज हैव 8 प्लेट्स. सो दिस इज द न्यू असेंबली. ये डिज़ाइन थोड़ा चेंज हुआ. और ये इंस्टॉल करेंगे हमारे अनिल भाई. यू नो अनिल भाई, इन लास्ट वीडियो मैंने दिखा दिया था वाइल शूटिंग द थर्ड सर्विस ऑफ माई RR310. एक नया शावर आया है, ये गियर बॉक्स के ऊपर शावर करेगा. ओके. ऑयल यहाँ से जाके पूरा गियर बॉक्स के ऊपर शावर. ओके. सॉरी फॉर बैड नॉइज़. इसमें एक चेंजेस हुआ है, ये स्लीपर क्लच लोग को पुश करने के. ओके, इजीली पुश है. फ्रेंड्स, ये जो लीकेज है वो कूलेंट है, क्योंकि पार्ट से लीकेज नहीं हुआ है. बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने मालवणी की राइड की थी तब मैंने कूलेंट खुद ही टॉपअप किया था, तो ज़्यादा टॉपअप हो गया था. बिकॉज आपको तो पता है यहाँ तक पूरा फेयरिंग रहता है और उसके बाद यहाँ पे पाइप डाल के कूलेंट फिल करना पड़ता है, तो इतना विजिबिलिटी नहीं मिली थी मुझको. दैट टाइम जो ओवर एक्सेस था, जो कूलेंट बाइक गर्म होने के बाद जो बॉइल होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है. यू कैन सी, सो जो एक्सेसिव कूलेंट है वो यहाँ यहाँ पर गिरा हुआ है. इट्स नॉट लीकेज ऑफ एनी पार्ट. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कूलेंट हम लोग पूरा ड्रेन कर रहे हैं. ये जो नट है वो ओपन करने के बाद पूरा कूलेंट ड्रेन हो जाएगा. आप देख सकते हो जो भी रेडिएटर के अंदर का कूलेंट था वो ड्रेन हो चुका है. व्हेनेवर इट्स नीड द कूलेंट देन ओनली यहाँ से यहाँ पे खींच लेता है बाय मेकिंग अ प्रेशर इन बिटवीन. Christmas, I'm
कैन सी वाइल रिमूविंग द कवर्स गैसकेट हैज बीन ब्रोकन। आपको गैसकेट तो चेंज करना ही पड़ेगा। ये है ना ऑयल का ये चेंबर है। ओके तो सब ऑयल इसके अंदर जमा रहता है, जब इंजन स्टार्ट होता है ना तब यहाँ वहाँ से सब पहुँचता है। ये अगर इसलिए लगा है कि जो पूरा टाइम थोड़ा सा जो गिरता है ना लगाया है, ऐसा जरूरत जरूरी नहीं है। अगर ऑयल चेंज करना तो जरूरी है। सो फ्रेंड्स वन थिंग इज दैट वाइल इंस्टॉलिंग द न्यू स्लीपर क्लच नो नीड टू ड्रेन द ऑयल, ओनली कूलेंट ड्रेन कर दिया इन्होंने, बस दैट्स इट। एज पर अनिल भाई सब ऑयल इस चैम्बर के अंदर जमा होता है, उसी ऊपर का पार्ट रिमूव करते हो, जस्ट थोड़ा सा वेयर एंड टेयर ऑयल निकल जाएगा, बाकी कंप्लीट ऑयल इस ट्रे में जमा रहेगा। फ्रेंड्स ये ओल्ड क्लच प्लेट विद 8 प्लेट पूरी असेंबली, जस्ट ये एरिया रिमूव होकर यहाँ पे इसके अंदर नया स्लीपर क्लच इंस्टॉल हो जाएगा। The most oil comes out. You can see the oil. Yes, that's it. Complete oil यहाँ पे नीचे वाले chamber के अंदर है. No need to drain the oil. So Anil bhai now explaining the difference in between these two. This one is old one, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और this one is the new one, which is has small width. Otherwise look में तो इसकी सेम ही है। और वो वाले में ओल्ड वाले में 5 आते हैं। ओके ओल्ड वाले में 5 स्प्रिंग्स आती है, न्यू में 3 स्प्रिंग आती है। तो जो हाथ का प्रेशर है ना या राइट वो यही पे कम हो जाता है। तो एज पर अनिल भाई बिकॉज ऑफ 3 स्प्रिंग्स हमारे हाथ के ऊपर जो कम प्रेशर आएगा, विच वन आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस है ना उसके डिज़ाइन में चेंजेस है, कुछ स्लॉट दिया है यहाँ पर, कट देख रहे हो इस साइड से देखो स्लोप है। ओके राइट तो ये जब आप क्लच दबाओगे ना ये देखो इसमें मूव करके जा रहा है, ये घूम रहा है थोड़ा जिसे बाहर आया। ओके देखो उसके अंदर थोड़ी मोशंस हो रहे हैं, हाँ मतलब असिस्ट करता है, इसको मदद करता है, जब भी आप क्लच दबाओगे तो ये ऐसे वर्किंग करता है। और मूड कैसा होता है उसके अंदर कुछ प्ले नहीं है कुछ मोशन के लिए, दैट्स इट, इट्स जस्ट लाइक अ फिक्स क्लच, दैट्स व्हाई कॉल अ स्लीपर क्लच। सो फ्रेंड दीज आर दी ऑल प्लेट्स, फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ ऑयल कहाँ पे है, कि यहाँ पे इस चैम्बर में ऑयल है आप देख सकते हो, कंप्लीट जो ऑयल है 1.7 लीटर इस चैम्बर में जमा रहता है, और इंजन स्टार्ट होने के बाद पूरे इस यूनिट में सर्कुलेट हो जाता है। इन बिटवीन ईच एंड एवरी प्लेट इज लूपिंग। साइकिल का जो आगे का पहिया रहता है ब्रेक जहाँ पे लगता है इसको देखो डॉट डॉट डॉट, हाँ बराबर ग्रिप के लिए, ये पूरा प्लेन रहेगा ना तो स्लिप हो जाएगा ना, प्रॉपरली ग्रिप नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो न्यू स्लीपर क्लच में 3 नट बोल्ट के ऑप्शन है, और दिस वन इज द ओल्ड वन विच वन हैव 5। फ्रेंड्स आप देख सकते हो
न्यू स्लिपर क्लच इंस्टॉल हो चुका है, ये सब ऊपर की कवरिंग पैकिंग सब हो जाएगी। सो नाउ अनिल भाई इज इंस्टॉलिंग द गैस्केट। हमने तो देख ही लिया जो प्रीवियस गैस्केट था जो प्री इंस्टॉल वो कट हो गया था, और नॉर्मली भले वो अच्छी कंडीशन में निकले बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू इंस्टॉल अ न्यू गैस्केट। दिखा देता हूँ पूरे प्रोसेस में कितना ऑयल नीचे ड्रेन हुआ है। यू कैन सी इट्स स्लाइटली जस्ट थोड़ा सा ही ऑयल नीचे गिली हुआ है, तो आप बोले कि 1.7 लीटर्स की क्वांटिटी वो कम होगी, नहीं दैट ना कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। मेजरली मेरे ख्याल से जो ऑयल अनिल भाई ने ऊपर लुब्रिकेशन के डाल रहे थे तो लूब होने के बाद जो ऑयल नीचे गिर रहा था वो ऑयल है, वो नॉट द ऑयल फ्रॉम द इंजन। मोस्टली बहुत सारे यूजर्स उसको पूछते हैं कि क्या हम स्लीपर व्हील अभी इंस्टॉल करना चाहिए या वाइल डूइंग द सर्विसिंग। तो एज पर माई सजेशन बाई इफ यू वॉन्ट अर्जेंटली इफ यू आर गोइंग टू एनी ऑफ द राइड ऑन अर्जेंट बेसिस यू कैन चेंज इट एट अर्लीस्ट, अदरवाइज यू कैन चेंज द सेम वाइल डूइंग योर बाइक सर्विस। उस हिसाब से आपको इतना लेबर का कॉस्टिंग का इतना खर्चा भी नहीं लगेगा। ऑल्सो एक चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म होगी कि वाइल इंस्टॉल स्लीपर क्लच ऑयल ड्रेन नहीं होता है, सो दैट मीन नो नीड टू चेंज द इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, सिर्फ कूलेंट ड्रेन हो जाएगा दैट सीट, और वही कूलेंट वाले वापस इंस्टॉल कर देंगे। सो अभी द सेकेंड स्लीपर क्लच विच इज द अवेलेबल दैट वन गोइंग टू इंस्टॉल ऑन दैट बाइक, उस बाइक की है थर्ड सर्विस। बेटर वाइल डूइंग द सर्विसिंग दे आर इंस्टॉलिंग द स्लीपर क्लच ऑल्सो। ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट यू कैन चेंज द इंजन और वाइल इंस्टॉल स्लीपर क्लच, जैसे मैंने बता दिया वाइल डूइंग द सर्विसिंग इंजन ऑयल तो आपका चेंज होता ही होता है, तो उसी वक्त आपका स्लीपर क्लच भी इंस्टॉल हो जाएगा। If you are having any concern about that, यार oil का level कम हो जाएगा हमने सिर्फ without draining the engine oil किया है, तो it doesn't impact, I don't think so. It doesn't impact, even I have confirmed with Anil bhai also. But if you have any concern, you can change it. So आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही oil है जो नीचे drain हुआ है, इट्स विल बी अराउंड 10 to 15 ml ओनली। ऑल्सो कूलेंट भी रिमूव करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पाइप इनसाइड यहाँ पे चला जाता है, तो इट्स बेटर टू रिमूव द ऑल द कूलेंट फ्रॉम रेडिएटर इटसेल्फ, अदरवाइज अगर डायरेक्टली आप ओपन करो तो पूरा कूलेंट नीचे गिरने वाला है ही है, तो कूलेंट रिमूवल इज मस्ट। ये आप देख सकते हो कंप्लीट कूलेंट जो यहाँ का है वो यहाँ पे चला जा रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर, नहीं तो आप यहाँ पे ओपन करोगे इसके अंदर डालोगे इट्स ऑलवेज बेटर, तो इसके अंदर जो आपको जो पंप का है वो यहाँ पे चला जाए और आप न्यू कूलेंट इसके अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल कर दे। देख सकते हो अनिल भाई ने बाइक जो ऑन कर दी है और ऑन करने के बाद वो कूलेंट डाल रहा है, दैट मीन जैसे इंजन ऑन होता है वैसे कूलेंट पूरा नीचे नीचे चला जाता है, तो ऊपर और जगह बन जाती है फॉर इंसर्टिंग द न्यू कूलेंट। तो फ्रेंड्स ये है हमारी ओल्ड क्लच असेंबली। सो अपनी बाइक तो रेडी हो चुकी है विथ न्यू रेसिंग ट्यून स्लीपर क्लच, उसके साथ स्टिकर्स भी आता है आपको दिखा देता हूँ। होप यू कैन एबल टू सी RT दैट इज़ रेसिंग ट्यून स्टिकर। तो ये जो स्टिकर है वो यहाँ पे बैठेगा इस एरिया में, एज अ न्यू 2019 RR 310 के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल है वो स्टिकर, सो इट्स गुड दैट दे प्रोवाइड अस दैट रेसिंग ट्यून स्टिकर ऑल्सो। बस एक ही साइड का दिया है, यू कैन सी दोनों साइड का नहीं दिया है, आप देख सकते हो न्यू गैस्केट इज विजिबल, पहली वाली विजिबल नहीं हो रही थी, कंपनी फिटेड थी, दिस वन इज विजिबल एट एजेस। सो फिलिंग ऑन नाइट्रोजन एयर दैट इज 32 PSI। सो फ्रेंड्स दिस इज द ओल्ड क्लच असेंबली, ओल्ड क्लच असेंबली आपको वापस दे देंगे, सो डोंट फॉरगेट टू गेट इट बैक फ्रॉम देम। ये असेंबली ये उसके पार्ट्स, इसके अंदर भी एक पार्ट्स है, ये रहा और ये रहा स्टिकर, तो इसको अब इंस्टॉल कर दूंगा बाइक के ऊपर। ओनली प्रॉब्लम इज दैट एक ही दिया यार। बाइक रेडी है फॉर टेस्टिंग, एक बार टेस्ट राउंड ले लिया था, अच्छा फील हुआ, अभी देखते हैं बाइक हाईवे पे चला के क्या क्या चेंजेस महसूस होते हैं। बाइक वॉश हो चुकी है, चकाचक लग रही, चेन लूब हो चुकी है, बाइक स्टार्ट तो फर्स्ट क्रैंक में हो गई, फर्स्ट सेकेंड गियर पर शिफ्ट कर लिया हमने, मेन पता तो डाउन शिफ्टिंग में ही पता चलेगा स्लीपर क्लच का। फ्रेंड्स जब ये ट्रैफिक में बाइक चला रहा हूँ हाथों के ऊपर थोड़ा तो प्रेशर में चेंज दिख रहा है, पहले थोड़ा क्लच लीवर हार्ड लगता था, अब थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, इतना भी नहीं स्लाइटली चेंज है इन ट्रैफिक कंडीशन। सो मेन पर्पस जो मेरा था एज अ लाइट क्लच वो तो सॉल्व हो गया ऐसा लग रहा है मुझे,
लेट्स सी, अभी तो स्टार्ट है। डाउन शिफ्ट फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड बहुत स्मूथ हो चुका है, वो इवन सेकेंड टू फर्स्ट ऑल्सो अटक नहीं रहा है गियर, डायरेक्टली एकदम स्लाइडली जैसे पुश कर रहा है वैसे नीचे जा रहा है। अभी थोड़ी बाइक रेस करते हैं और इंजन ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं हूँ फिफ्थ गियर में, अभी मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी द इंजन ब्रेकिंग, ओ नाउ फोर्थ, ओ हो इंजन ब्रेकिंग तो है बॉस, जिसका मुझे डर था इंजन ब्रेकिंग चली नहीं गई है, इंजन ब्रेकिंग है। जस्ट स्लाइटली डिफरेंस लग रहा है जितना पहले होता था व्हाइल डूइंग अ डाउन शिफ्ट, जो धक्का बैठता था आफ्टर डूइंग अ डाउन शिफ्ट वो नहीं मिल रहा है। जस्ट लाइक बाइक की स्टेबिलिटी परफेक्ट रह रही है। देखिए अभी मेरे पीछे कोई नहीं है, चलो मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ फिफ्थ टू फोर्थ। देखिए स्मूथली हो चुका है, इंजन थोड़ा रेव कर रहा है। अभी मैं करता हूँ थर्ड गियर, ये देख लीजिए आप इंजन का जो साउंड है वो रेव कर रहा है, बिकॉज इट्स ऑन हायर आरपीएम। तो जैसे लोअर गियर पे शिफ्ट कर रहा हूँ इंजन ब्रेकिंग परफेक्टली मिल रही है। तो अभी आगे मुझे स्पीड लो करना है, लेट्स स्टार्ट द डाउन शिफ्टिंग। ये फिफ्थ, ये फोर्थ और ये थर्ड, आप देख सकते हो मैंने जो अपना स्पीड परफेक्टली मेंटेन किया, मुझे ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दैट मीन इंजन ब्रेकिंग है वो इतना भी कम नहीं हुआ है, परफेक्ट है। मुझे डर लग रहा था कि इंजन ब्रेकिंग टोटली चला जाएगा, सो डाउन शिफ्टिंग से जो बाइक का स्पीड है वो कम नहीं कर पाऊंगा। देखा आपने थर्ड से सेकंड परफेक्टली एकदम बटर स्मूथ के जैसे डाउन शिफ्ट हो गया। अभी मैं सेकंड पे हूँ, ये देखिए मैंने फर्स्ट पे शिफ्ट किया, एकदम मक्खन के जैसे गियर शिफ्ट हो रहा है। तो भाई ट्रैफिक कंडीशन में तो बेनिफिट स्लीपर क्लच का हो गया मुझे। यार अब शिफ्ट भी बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, अभी मैं सिक्स में शिफ्ट कर रहा हूँ। ओ एकदम स्लाइडली क्लच को आपको एकदम स्लाइडली दबाना है, एकदम बटर स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो रही है यार, डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट ऑल्सो। मुझे पता है अप शिफ्ट से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट यार मुझे तो चेंज महसूस हो रहा है। ये देखिए फोर्थ में अभी फिफ्थ गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, परफेक्ट। ये सिक्स क्लच का प्ले देख लीजिए, स्लाइटली एकदम स्लाइटली मक्खन के ऊपर, हाथ के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है, कूल। सो ये सब बात हो गई सिटी राइड्स की, देखते हैं स्लीपर क्लच का मेन फायदा वाइल्ड टूरिंग कैसे होता है। तो वो जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द ही हम बड़ी राइड करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली इन द एंड ऑफ मानसून। डेट एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट इट्स अ बिग राइड अराउंड 14 to 15 days। सो फॉर मोर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड। सो स्लीपर क्लच इंस्टॉल करने के लिए अराउंड 1 घंटा 15 to 20 minutes लगे, बिकॉज अनिल भाई मुझको बता के पार्ट इंस्टॉलेशन कर रहे थे, सो उतना उनको टाइम लग गया। तो कंक्लूजन बता देता हूँ आपको, अभी तक की बाइक चलाने में तो मुझे स्लीपर क्लच वर्थ इट लग रहा है। ओ देख लीजिए अभी जस्ट सेकेंड से फर्स्ट की शिफ्ट किया, एकदम मक्खन के जैसा हो गया, कुछ टेंशन नहीं है। सो ट्रैफिक में अभी जब मैं चला रहा हूँ तो मेरा क्लच आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रेस है, तो उतना हाथ के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है जितना पहले आता था बिफोर इंस्टॉलिंग स्लीपर क्लच। सो दोस्तों अगर आपके पास भी RR310 है और आप अपनी बाइक के ऊपर स्लीपर क्लच इंस्टॉल करना है तो उसकी डिटेल्स बता देता हूँ आपको। कॉस्टिंग मुझे पड़ी विद गैस्केट एंड लेबर चार्ज, ये कॉस्ट बन जाती है 4763। सो टोटल मेरे इनवॉइस का बिल अभी दिखा देता हूँ आपको। जी हाँ मुझे स्लीपर क्लच की कॉस्ट लगी 4763 विथ एवरीथिंग। ऑल्सो अगर आपको भी आपकी बाइक के ऊपर स्लीपर क्लच इंस्टॉल कराना है सो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गेट इन टच विथ योर लोकल RR310 सर्विस सेंटर, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको भी स्लीपर क्लच आपकी बाइक के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो उस हिसाब से लोकल सर्विस सेंटर TVS के यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि उनको इतने इतने स्लीपर क्लच की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से विद इन 15 days TVS स्लीपर क्लच लोकल सर्विस सेंटर के यहाँ पे भेज देता है। और ये आ चुकी है बारिश और मैं मेरा एक्शन कैम यूज़ कर रहा हूँ विदाउट वाटरप्रूफ केस। सो जल्दी जल्दी इस वीडियो को फिनिश करते हैं दोस्तों। सो मुंबई में भी सिर्फ दो ही स्लीपर क्लच अवेलेबल हुए थे जो मैंने मेरी बाइक के ऊपर लगा दिया है, और आपको दूसरी बाइक दिखाई थी मैंने वीडियो में,
जो उस बाइक के ऊपर इंस्टॉल कर रहे थे। तो माय बाइक इज द फर्स्ट वन टू गेट स्लीपर क्लच इंस्टॉल बाय हरे कृष्णा TVS इन मुंबई। और ये बारिश जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है तो मुझे साइड में रुकना पड़ेगा। चलो दोस्तों मिलता हूँ आपको। Two hours later. So friends, finally, पहुंच गया घर पे। बाइक जो है फुटपाथ के ऊपर से लेके जानी पड़ी, इतना ट्रैफिक था। सोच लीजिए अराउंड 7 to 8 kilometers था। अभी भी बारिश गिर रही है, यू कैन सी बारिश भी है धूप भी है। बाइक इज देयर, डोंट नो क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसे ट्रैफिक में अगर मेरी नॉन स्लीपर क्लच होता तो यार मेरे हाथ के तो लग जाती, पूरा लाल लाल हो जाता। अभी आप देख सकते हो इट्स स्टिल इन गुड कलर, डेट मीन ज़्यादा प्रेशर नहीं है। लाइव एग्जांपल यहाँ पे है, पर फर्स्ट डे स्लीपर क्लच परफेक्टली टेस्ट हो चुका है। थम्स अप टू TVS फॉर सच अ ब्यूटीफुल एड ऑन फॉर अस एज अ ओल्ड RR310 ओनर्स। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स हरे कृष्णा TVS, बिकॉज ऑफ देम ओनली आई गॉट द स्लीपर क्लच एज अर्ली। आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इट इंस्टॉल इन हरे कृष्णा TVS। सो थैंक यू अनिल सर, श्री सर, हैप्पी वाई एंड अनिल गुड वर्क, थैंक्स अ लॉट। जैसे जैसे बाइक में हाईवे पे ऊपर चलाऊंगा, बड़ी राइड्स करूंगा, वैसे वैसे स्लीपर क्लच के बारे में इनपुट तो देते जाऊंगा, क्या क्या मुझको चेंज लग रहा है, क्या क्या चीज़ बुरी लग रही है। ऐसे नहीं कि मैं हर एक चीज़ अच्छी बताऊंगा स्लीपर के बारे में, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी मैं फ्रीली बता दूंगा। सो नो वरीज अबाउट दैट। सो इफ एनी हाउ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड। एंड हाँ, अभी ये वीडियो देख रहे हो और भी ब्यूटीफुल वीडियो आने वाले हमारे चैनल के ऊपर, तो यार आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। So this is Sagar signing off. Bye bye.